सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सिंबल्स चैनल। एंड फाइनली आज है नया दिन, नई शुरुआत और कोशिश की है नया ब्लॉग स्टार्ट करने की जल्दी जल्दी, क्योंकि हम अर्जेंटली हमें निकलना पड़ रहा है मौदा। क्यों निकल रहे हैं हम वो आपको इस ब्लॉग के लास्ट में या हो सकता है मे बी उसके लिए न्यू ब्लॉग आएगा तो उसके एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हमें अर्जेंटली मौदा क्यों निकलना पड़ रहा है। और सोचा तो हमने कि जैसे हम पैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे तब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट एज यू ऑल नो कि बच्चा साथ में है, माहिब है साथ में, छोटा है वो अभी, तो उसके साथ व्लॉगिंग करना और बाकी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एज ही कम्प्लीटेड इज 6 मंथ्स तो उसका भी फूड वगैरह कैरी करना पड़ता है साथ में, क्योंकि वैसे तो हमें ट्रेन से कैंटीन से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बट माहिब का फूड तो साथ में कैरी करना पड़ता है। और मैनेज करने की कोशिश अपने एंड से सब करते हैं कि हम जितना हो सके मैनेज करें और व्लॉगिंग करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आपके साथ चीज़ें शेयर करें और कनेक्ट रहें, बट स्टिल समटाइम्स इट्स हार्ड टू मैनेज क्योंकि शूट करना होता है और एडिटिंग में भी टाइम जाता है, कौन सा म्यूजिक कहाँ जाएगा, कौन सा पार्ट कट करना है, ऐड करना है, एडिट करना है, इन सब में टाइम जाता है। एंड घर पे आराम से बैठ के जो लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी है हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे हार्डवर्क को, हमारे करेज को अप्रिशिएट करते हैं, सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। और उन्हीं लोगों की वजह से एक हिम्मत मिलती है और एक पावर मिलता है हमें कि नहीं ठीक है फिर से अभी करना है करना। वैसे तो हम मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, बट स्टिल कभी कभी कुछ कमेंट्स इज लाइक सम ब्रेनलेस पीपल यूज टू स्पीक सम कुछ भी बोलते हैं। और हाँ मोहित, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, इंशाल्लाह आपके जितने भी कमेंट्स हैं जैसे सुम्बुल ने बोला हम कलेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह क्यू एन ए राउंड में हम बताएंगे। अभी अर्जेंटली जाना पड़ रहा है मौदा, सुम्बुल बताएंगे क्यों जा रहे हैं अर्जेंटली मौदा, सब काम बीच में होल्ड ऑन या रुक, मतलब होता है ना अभी रोक के, और कमेंट्स करते हैं इट्स गुड, क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट को, पॉजिटिव को तो सुम्बुल रिप्लाई करती है, नॉट हम, वो रिप्लाई करती है और नेगेटिव को रिप्लाई नहीं करते। अगर आप हमारा पहला वाला क्यों नहीं राउंड देखोगे तो उसमें हमने यही बोला है कि नेगेटिव को रिप्लाई ही नहीं करना, क्योंकि आप उनको रिप्लाई करोगे तो उनको और मजा आएगा कि वो जो चाहते थे सी दे हैव अचीव्ड, दे ट्राई टू फोकस। हाँ, सो कभी भी टेम्परमेंट हाई नहीं करना है, मैं समूह को यही समझाता हूँ, नॉर्मल रहना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, बट सम टाइम बोलना जरूरी होता है, अदरवाइज लोग क्या है, लोग सोचते हैं जो वो गलत बोल रहे हैं वो सही है, तो अपने आप को सही। वो एक फेमस डायलॉग है ना, किसको किसको पता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, कि अगर आप सामने वाले को जवाब नहीं देते हो तो अपने बोलने की हदें भूल जाता है, तो समटाइम्स इट्स कंपल्सरी टू स्पीक। और जो भी बोलते हैं ना कि शूट करती है और होता है ना ब्लॉगिंग बनाती है और वगैरह वगैरह, सो एक ही सजेशन है, आप एक दिन फोन उठाओ और पब्लिकली ज्यादा नहीं 5 मिनट का व्लॉग बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बोलना, बैठ के बोलना कितना आसान है और कैमरा लेके उसी चीज को एक्सप्लेन करना कितना टफ है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, वो भी बेबी के साथ, ठीक है, बेबी के साथ, बेबी है उसमें, उसको भी, उसका भी सारा चीज, एसेसरीज, उसका मसाज, उसका फूड, उसका एवरीथिंग, एवरीडे उसका बेबी का पता है, 2 टाइम दिन में 2 या 3 टाइम मेंटेन करना, उसमें शूट करना, फिर एडिटिंग करना, कहाँ पे कौन सी म्यूजिक जाएगी जैसे सुमूल ने बोला वो ऐड करना, फिर आप जब पब्लिक करते हो जो यूट्यूबर उनको पता होगा कॉपीराइट्स आते हैं तो उसको म्यूजिक को फिर से मॉडिफाइड करना, सो इट्स वेरी टफ जॉब एंड हैट्स ऑफ टू यू सुम्बुल। और जिनको जो भी लगता है वी डोंट केयर, आपको जो लिखना लिखो, बट व्लॉग तो हम बनाएंगे। अगर जिनके दिमाग में ये है कि हम ऐसा करके ये व्लॉग बनाना छोड़ दें तो सॉरी गाइस, आपका बहुत ही गलत थॉट है, व्लॉग चाहे 2 व्यू जाए, भले ही लेट जाए, भले 5 दिन में मेरा व्लॉग बट जाएगा, जो भी ये सोच रहे हैं व्लॉग सुम्बुल ऐसा लिखे तो सुम्बुल व्लॉग बनाना छोड़ दो, सॉरी गाइस, एज आई मेंशन, बहुत गलत सोच रहे हो, व्लॉग नहीं रुकेगा, भले वो लेट होगा बट व्लॉग आएगा, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं है, वी आर द पीपल जो या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारने में बिलीव नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन मोहित का सपोर्ट, क्योंकि अगर मोहित का ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं होता तो इट्स रियली टफ फॉर मी, तो वो मुझे अपने मेरे लाइफ के हर फेज पे सपोर्ट करते हैं, ही यूज टू अंडरस्टैंड मी एंड इट्स रियली, आई रियली ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ एज अ रियली सपोर्टर, और वो मुझे बहुत समझाते भी हैं सारी चीज़ों को लेकर, सपोर्ट करते हैं, तो इट्स रियली गुड, लाइक हमारा वो खट्टा मीठा स्वीट एंड सॉल्ट वाला रिलेशनशिप। बाकी की बातें आपसे मैं आराम से करूंगी बाद में, क्योंकि हमें क्यू एन ए भी करना है उसके बाद, उस टाइम पे जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, उनको तो हमें आंसर करने के लिए वी आर वेटिंग। और बस अभी निकलने का टाइम हो रहा है, बहुत धबड़ तबड़ में हमने सब कुछ पैकिंग वैकिंग किए, मोहित अभी जा रहे हैं सामान लेके, हमारी कैब आने वाली है नीचे, अरे स्विचेस चेक किए, अभी अपने लैपटॉप बैग में रख लीजिए, बाद में मुझे दे दीजिएगा। लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दिए। लव इज ऑल मेक अप। डिसाइडिंग हुआ मेरे को, पीछे जाके खड़ा हो।
उस साइड से ना उस गाड़ी कवर कर दी है। चल और ट्रेन चलते ही माय भी यहाँ पे उठ गए थे और मोहित के साथ एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम। बस वही हम लोग कर रहे थे और यहाँ पे हमारी रखी थी दही और आइसक्रीम। बस बस है और मोहित की मस्ती चालू। अपने फुल फॉर्म में उसके पूरे जो कंसंट्रेशन है वो इसमें है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान, जैसे आप लोगों ने मुझे अभी के व्लॉग में देखा है तो अभी हो रहा है 127 और मैं और आकिब भाई जा रहे हैं झांसी अप्पी भाई और ऑफ कोर्स चैम को लेने के लिए। तो जैसा होता है हम आपको दिखाते हैं और सफर का एंजॉय लीजिए आप भी और हम भी ले ही रहे हैं। सो एक्साइटेड, सुबह 5 बजे क्या एक्साइटेड, ये गाड़ी है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट सुबह सुबह चलते गिरते बस थक गए मैं। अभी तो पैंट और ऊपर चढ़ा लेती, पैंट तेरा और ऊपर चढ़ा लेती तो बाद में शॉर्ट पहन के आई है। मुंबई मार्शल क्यूट लग रहा है, बहुत दिनों के बाद देखा मार्शल अच्छा लग रहा है। घर निकलने से पहले यहाँ पे फैजान मेरे लिए चाय और ब्रेड बटर लेके आया था। क्या है? ब्रेड मक्खन, ब्रेड, चाय। चाय आपका स्पाइडर है बेबी, माइक को देख। कर लेना रसरी सिल पर ना करे निशान, अलामत दे दे एक खुदा अब तो। वैसे भी तोड़वाना ही है इसको, वैसे भी तोड़वाना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली नहीं तोड़वाना है, ये वाला ऐसा तोड़वाना खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वो जल्दी आ गए। हेलो हेलो बेटा, अभी सो के उठा है। बाय। हाँ बाय 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 बाय, टाटा टाटा टाटा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपने घर और उसके बाद तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है आई थिंक, क्योंकि कल से स्टार्ट किया है हमने और आज हम घर पहुंचने के बाद इसको एंड कर रहे हैं। और आप लोगों को गेस करना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जिन जो भी हमारे फर्स्ट टू विनर्स होंगे जिन्होंने सही गेस किया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो उनको हमारे तरफ से हमारे घर के लिए हमने जो शॉपिंग की है आईकिया से, सेम वैसे ही कुछ हम आईकिया से ला के अपने फर्स्ट टू विनर्स को गिव अवे करेंगे एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज देंगे। सो आप लोग को गेस करके बताना है कि हम यहाँ ऑल ऑफ अ सडन क्यों आए हैं। और माहिर मिला है डैडी से अम्मी से, तो लोग बैठे हैं और हम भी चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, शार लेते हैं, उसके बाद नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो तब तक के लिए आप लोगों को पता है क्या करना, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।